हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियांशी फ्रॉम जय महाराज रेडियो फोकस प्राइवेट लिमिटेड। और आज के वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आयरलैंड के बारे में। मैंने बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन में देखा है कि फर्दर स्टडीज़ के लिए कौन सी कंट्री पिक करनी चाहिए और क्यों करनी चाहिए वो कंट्री पिक। तो आयरलैंड भी एक बच्चों आप अपना स्टडी डेस्टिनेशन बना सकते हो, क्योंकि आयरलैंड एक बजट फ्रेंडली कंट्री है। दूसरी कंट्री के कंपेरिजन में आयरलैंड में थोड़ी फीस कम रहती है, एज आयरलैंड भी एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है और वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस भी, कोर्स ऑप्शंस भी प्रोवाइड करता है। अभी बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि क्या आयरलैंड में हम स्टडीज़ के दौरान वर्क कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो बच्चों, जैसे दूसरी कंट्रीज़ में जो परमिशन है कि ऑन स्टडीज़ ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप 20 आवर्स काम कर सकते हो और वैकेशन पीरियड में आप 40 आवर्स काम कर सकते हो, तो वही रूल आयरलैंड में भी अप्लाई होता है कि आप अपनी स्टडीज़ के दौरान 20 आवर्स और वैकेशन पीरियड में 40 आवर्स काम कर सकते हो। अभी बच्चों को ये भी क्वेश्चन रहेगा कि क्या हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट मिल सकती है आयरलैंड में। तो बिल्कुल हाँ, आपको पोस्ट स्टडी वर्क परमिट भी मिलेगी आयरलैंड में। तो अभी बहुत इम्पॉर्टेंट बात मुझे आयरलैंड के बारे में बोलनी है कि जो बच्चे आईटी फील्ड से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आयरलैंड में मिलेगी, ताकि आयरलैंड में बहुत सी आईटी कंपनीज़ है जो आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे सकती है। अभी क्यों आयरलैंड जाना चाहिए? कनाडा में पीआर मिलता है तो आयरलैंड में क्यों जाना चाहिए? तो आयरलैंड में भी आपको एक ब्लू कार्ड मिलता है। ब्लू कार्ड मतलब कि एक रेसिडेंस परमिट थ्रू विच आप काम कर सकते हो वहाँ पे, और उसके ब्लू कार्ड के आने के बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और आप अपनी फैमिली के साथ भी वहाँ पे सेटल हो सकते हो। थैंक यू।